हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। डोम कलर्स के माध्यम से, जो कि वाटर कलर हैं, इससे फ्लावर पेंटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर ब्लेंडिंग ब्रश पेन, जो वाइट कलर का है, जो ब्लेंडिंग कर लेता है दूसरे कलर को, उससे लाइट कलर का संप्रेषण दे रहे हैं। डार्क कलर के लिए हमने डोम्स कलर का उपयोग किया है। पूरी पेंटिंग में सिर्फ डोम्स कलर का उपयोग किए हैं। ये मैंने छह कलरों का उपयोग किया है। इसके अंदर ये ब्लेंडिंग ब्रश पेन, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, हमने छह कलरों का प्रयोग किया है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से कोई भी बच्चा इसको ड्राइंग करके बना सकता है और सीख सकता है। ये मैंने साधारण ड्राइंग बुक के कागज़ पर पेंटिंग की है, जो शायद आपको काफ़ी सरल लगे और काफ़ी कम खर्चे का काम है। फ्लावर में पेपर, जो वाइट पेपर होता है, उसी को अपन वाइट कलर मान लेते हैं और ब्लेंडिंग ब्रश पेन से लाइट और डार्क का काम कर लेते हैं, जो कि बड़ा आसान है। अब हमने ये ऑरेंज कलर का उपयोग किया है। एक फ्लावर ऑरेंज कलर का ले लिया अपन ने, उसके अंदर भी उसी तरीके से ड्रॉ करा है। उसी कलर का उपयोग करके हम डार्क शेड लगाएंगे। जो बड़ा आसान है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को सीखने के लिए बड़ी आसान है। ये हमने ब्लैक कलर का पेन लिया है, ब्रश पेन, इससे आसानी से इसकी टहनियाँ ड्रॉ कर रहे हैं। आसानी से ड्राइंग करें, उसकी लय पे जाएं, टहनियों की लय पे जाएं। टहनियाँ की जो लय होती है और जो फ्लावर के अंदर जो उसके बीज होते हैं, ये फ्लावर की टहनियाँ जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से थोड़ी मोटी होती थी और बाकी आगे जाके पतली हो जाती है। हमने ब्लैक कलर से ही पत्तियों का उपयोग किया, जो कि फूलों को, पेंटिंग को उठाने में मदद करेगा।
हमने ब्लैक कलर का उपयोग किया है पत्तियों में। साधारण पेंटिंग है, ज़्यादा ब्रश पेन पानी कपड़ा टिश्यू पेपर इनकी ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत है, थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है और आसानी से 10 मिनट के अंदर आपकी पेंटिंग तैयार है। ये हमने ग्रीन कलर लिया है, ब्लैक के बाद लिप्स में ग्रीन कलर का उपयोग किया है जो थोड़ा सा पेंटिंग को खूबसूरत बना देगा। ये ग्रीन लिप्स हो गए। लिप्स जो होती है वो लाइट डार्क छाए में सनलाइट में अलग अलग इफ़ेक्ट देती है। अब अपन ने ग्रीन कलर का उपयोग किया है तो ब्लैक भी ग्रीन ही दिख रहा है, हमने डायरेक्ट ब्लैक का उपयोग करा था टहनियों में और उसमें। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरी पेंटिंग्स में अब येलो कलर का उपयोग करेंगे जो कि लिप्स के अंदर येलो शेडिंग दिखता है ताकि थोड़ा पेंटिंग का उठाव आ जाएगा। ये अपन ने ब्रश पेंट से वाटर कलर पेंटिंग बनाई है, शायद आप मेरे से भी अच्छा काम कर सकेंगे। मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आगे मैं और पेंटिंग लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा शायद आपको पसंद आए। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, इसी आशा के साथ आपका आर्टिस्ट दयाराम जेतपुरी। धन्यवाद।